हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिल्म अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड की स्टोरी, जिसमें मेन रोल में है नयनतारा और उनके ऑपोजिट है जय। सत्यराज जो कि हमारे कटप्पा हैं, वो भी इसमें एक बहुत ही अच्छे रोल में है, मतलब वो एक फेमस शेफ हैं। तो अन्नपूर्णी बचपन से ही कुकिंग का उसे बहुत शौक होता है, उसमें एक स्पेशल सेंसेस होती हैं, तो वो किसी भी टेस्ट को बहुत जल्दी से कैचअप कर लेती है और बहुत ही बचपन से ही बहुत ही गुणी वो एक कुक दिखाई है। तो सत्यराज इसमें एक शेफ आनंद के नाम से, जैसे हमारे की संजीव कपूर है, ऐसे ही बहुत बड़े शेफ होते हैं, तो वो हमेशा से ही उनको फॉलो करती है और हमेशा से ही उनकी तरह बनना चाहती है। तो ये उसके बचपन का सपना होता है कि वो उनकी तरह बने, लेकिन वो एक ब्राह्मण तमिल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिताजी मंदिर में पुरोहित होते हैं, जो कि हमेशा मंदिर का प्रसाद बनाते हैं, और उनके परिवार में ये काम उनके पिताजी 5 पुश्तों से होता आ रहा था। तो लेकिन अन्नपूर्णी को शेफ बनने के लिए नॉनवेज बनाना पड़ता है, चिकन काटना पड़ता है, और चिकन बनाते बनाते चिकन टेस्ट भी करना पड़ता है। तो इस तरह से वो नॉनवेज खाने लग जाती है और उसको नॉनवेज का भी टेस्ट अच्छा लगने लगता है। तो लेकिन ये बात उसके पिताजी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसको अपने घर से निकाल देते हैं। पहले तो वो अपने घर में बिना बताए शेफ की पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन अचानक से एक दिन उसके पिताजी को पता चल जाता है और वो उसे नॉनवेज खाते हुए पकड़ लेते हैं। तो वो उसकी शादी करा रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी दादी की मदद से, उसकी दादी के एनकरेजमेंट से वो अपने घर अपनी शादी को छोड़ के भाग जाती है और फिर वो चेन्नई में जाके शेफ बनने की तैयारी करती है। वहाँ अपने फेवरेट शेफ जिनको वो आइडियल मानती है, रंगराजन, उनको उनके पास जाती है जॉब के लिए। तो वहाँ उसका टैलेंट देख के उसे जॉब दी जाती है, लेकिन रंगराजन के जो बेटे होते हैं वो उनको काम नहीं करने देते, क्योंकि उनके पिताजी हमेशा अन्नपूर्णी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो ऐसा षड्यंत्र चलाते हैं जिससे उनकी अन्नपूर्णी के, जब वो केक बना रही होती है तो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी टेस्ट करने की शक्ति चली जाती है। लेकिन फिर भी अन्नपूर्णी के पिताजी अब उसको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, क्योंकि और वो उसको इंकरेज करते हैं कि टेस्ट जाने के बाद भी वो अपना काम अच्छे से कर सकती है, और वो फिर इंडियाज़ बेस्ट शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और फिर वहाँ पे वो ऑब्वियसली वही जीतती है। उसके बाद तो उसके पिताजी को भी उस पर काफ़ी प्राउड फील होता है। इस तरह से ही मूवी चलती है, और इसी बीच उनको एहसास होता है कि वो फरहान से प्यार करती है। फरहान क्योंकि एक मॉमडन है, तो उसकी फैमिली को भी टाइम लगता है कि उनकी बेटी एक मॉमडन लड़के से प्यार करती है, लेकिन अंत में वो अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ जाते हैं, और इस तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।